किस नाल की जै दोस्ते सब जग चल
सजन मेरे रंग ले जाए सुते जीरान सजन मेरे रंग ले जाए सुते सजन मेरे रंग ले जाए सुते जीरान हम भी वल्या डूमणी रोवा जीनी बाण सजन मेरे रंग ले जाए सुते जीरान ढोल जुम्मण
सजन मेरे रंग ले जाए सुते जीरान सजन मेरे रंग ले जाए सुते जीरान जाए सुते रंग माण ले प्यारिया जा जो बन नौला रंग दिन थोड़े ताके भया पुराना चोला सजन मेरे रंग ले जाए सुते जीरान सजन मेरे की ना सुने गोरिये आपन कन्नी सोए लगी आवे सहरे सजन मेरे रंग ले जाए सुते जीरान सजन मेरे रंग ले जाए सुते जीरान जाए सुते नानक सोती पाईए जान विरोती साना गुणा गवाई गंठड़ी
गुरु रूप साहब संगत जी अज असी सारे ही सत्कारयोग सरदार सुरेंद्र सिंह जी बिंद्रा अकाल पुरख ने जिन्हें स्वास बख्शे सन सो अपने स्वासा नूं पूरे कर दिओ। कुछ दिन पहला सतगुरु जी के चरणों जा विराजे ने, क्योंकि ये जीवन की अटल सच्चाई है। जिसने भी जन्म लिया है सो वारी अनुसार उसने जाना है। साडा इस संसार विच आउण तों पहलां मरना लिखा है, मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजे माई। जग रचना सब झूठ है जान लिहो रे मीत, कह नानक थिर ना रहै ज्यों बालू की पीत। ये जीवन की अटल सच्चाई है। जिसने भी इस संसार दे जन्म लिया है सो वारी अनुसार उसने जाना है। फिर सानू इस संसार आके करना की है, प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कित को फकड़े सब मुकदी चली रहन। ये जो श्वासां दी गिनती है खत्म होंदी जा रही है। यह मनुखा जामा सानू 84 लख जौन कट्टण तो बाद मिलता है। 84 लख भरमत्या दुर्लभ जन्म पायो ए, नानक नाम संभाल तू 100 दिन नेड़ा आयो ए। गुर सेवा ते भगत कमाई तबे मानस देही पाई, इस देही को सिमरे देव सो देही भज, हर की सेव भजो गोबिंद भूल मत जावो, मानस जन्म का यही लाहो। साडा इस संसार चावना ताइयो सफला होना है, क्योंकि धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी अपनी पवित्र बाणी च उपदेश कर रहे ने। हर हर जपदियां खिन ढिल ना की जाई, मेरी जिंदड़िए मत के जापे शाह आवे के ना आवे राम। इन्हां श्वासां का कोई भरोसा नहीं, जो श्वास बाहर नूं निकलिया है उसने अंदर जाना या नहीं। इस करके जिन्हां भी समा मिले सत्संगत दे विच आ के उस अकाल पुरख का सिमरन भजन बंदगी करना है। आओ सारे मिलके अरदास में शब्द है, अब की बार बख्श बंदे को बहुर ना पाओ जल फेरा। 2 मिनटां का शब्द पढ़ के उस तों बाद समाप्ति है जी। अब की बार बख्श बंदे को, अब की बार बख्श बंदे को, अब की बार बख्श बंदे
ਵਸੈ ਪੰਚ ਕਿਰਸਾਨਾ ਸਾਰੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਅਰਨਾਲੇ ਸਾਚੇ
साहिबा क्या नहीं घर तेरे सदा सिर सला तेरे नाम बसावे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरे सचा शांत सुख मनाए वसिया जिन इच्छा सब जाइया कह नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो साचा कार सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया दुर्कार पाया तो जन को से नाम हर के लागे सगल मनोरथ पूरे दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची वाणी सुनते पुनित कहते पवित सतगुर रहा भरपूर पावन गुरु पाणी पिता माता तत् महात काल नानक ते मुख्यो जिले केती छुट्टी ना वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह तू ठाकुर तुम कै अरदास तेरी रास तुम मात पिता मरी गात मित तुम्हें जाने बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए प्रंगत गुर ते अमरदास रामदास सहाय अर्जन हर गोबिंदनो सिमरों श्री हराय श्री हर कृष्ण त्याई है जि डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिय घर नौ निध आवे ताए सब थाई वसाहे दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई वसाहे दसां पातशाह दी जोत हाजरा जूर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान रखे खालसा जी साहिब बोलना जी पंजां प्यारियां चौवां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां अठियां जपियां तपियां जिन्हां ने नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाई देख के अणडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान रखे खालसा जी साहिब बोलना जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेठ सीह दित्ते बंद बंद कटवाए खोपरियां लवाईयां चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चिरवाए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिक्की सिदक केसां स्वासां नाल निभाई तिन्हां दी पवित्र कमाई दा ध्यान रखे खालसा जी साहिब बोलना जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान रखे खालसा जी साहिब बोलना जी प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु 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 चेत्यावे चेत्यावन का सदका सर्ब सुख होवै जहाँ जहाँ खालसा जी साहेब त
ਤਾਹਾਂ ਤਾਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਹਾਇਤ ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਤਾਂ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਪਵਾਏ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਗੁਰ ਧਾਮਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਠ ਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨਾ ਕੋ ਰਹੇ ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ ਵਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਧੀਰ ਜਿਹਾ ਚੀਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਲੋਕ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਬਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੰਦਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਧੁਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਆਏ ਤਿੰਨ ਸਗਲੇ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਏ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੀ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੀ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾਂ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਆਵਾ ਗਵਣਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਿਆ ਤ੍ਰਿਕਣਾ ਜੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਾਰਵਿਕ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਿਆ ਤ੍ਰਿਕਣਾ ਜੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾਵਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹਰ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨੀ ਜੀ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋਚ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰੋਂ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਜੀਐ
जो अनहोनी होए एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए सजन सच्चा पातशाह फिर शाहे शाहो जिस पास बैठे सोइए सबना दा वेसाओ वाहिगुरु जी तनासरे महला पंजवा जा को हर रंग लागो इस युग में सो कही अत है सूरा आत्म जिणै सगल वस ता के जाका सतगुर पूरा जा को हर रंग लागो इस युग में सो कही अत है सूरा आत्म जिणै सगल वस ता के जाका सतगुर पूरा ठाकुर गाइए आत्म रंग शरणी पावन नाम त्यावन सहज समावन संग राहो जन के चरण वसे मेरे ही अरे संग पुनीता देहि जन के तूर देहो कृपा निद नानक कै सुख एही जन के चरण वसे मेरे ही अरे संग पुनीता देहि जन के तूर देहो कृपा निद नानक कै सुख एही वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी का फरमान है मरन लखाए मंडल में आए। इंसान शरीर धारण करन तो पहले ही उहदी मौत निश्चित कर दित्ती जांदी है। ये कदों आनी है इंसान हमेशा इस तो अवेसला रहिंदा है। साढ़े अति सत्कार योग जी सरदार सुरिंदर सिंह जी बिंदरा जिहड़े पिछले दिनों सानू सदीवी विछोड़ा दे गए हैं। दास की रिश्तेदारी भी है और बचपन तो ही जदों तो असी होश संभाली है। मैं कहना कि जिन्नी रामनगर की पुरानी होंद है जिन्ना पुराना रामनगर है तो रामनगर का अगर सिखा च कहीए तो सब तो पुराना परिवार सरदार स्वर्गवासी राम सिंह बिंदरा जी का। मैं तो बहुत छोटा सी जदों उन्हों का स्वर्गवास होया। साढ़े सत्कारयोग गतका मास्टर जी प्रधान साहब उन्हों की गल्लां सानू दसदे ने। सारा परिवार जिहड़ा है जिहड़े साडी सिस्टर सन गुरमीत कौर जी इन्हां दी लगभग 8-10 साल पहले उन्हां दी ओह भी सदीवी विछोड़ा दे गए। नूह राणी गुरप्रीत कौर और बच्चा बेटे सरदार राम सिंह जी बिंदरा जिहड़े इत्थे दे सब तो पुराने मैं अगर कहाँ कि शायद पहले प्रधान इस गुरद्वारा साहब दे सन उन्हां दे बारे आप जी नूं बिंदरा परिवार बारे जानकारी देणगे और गुरद्वारा कमेटी वालों श्रद्धा के फुल भेट करेंगे। सरदार गुरचरण सिंह जी गतका मास्टर प्रधान गुरद्वारा रामनगर। सत्कारयोग गुरु की साध संगत फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਉਸਤਾਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖ ਅਨੇਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਸਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ
एक वस्तु है तेरे नाल बन जाण वाली। संसार तो जिनी मर्जी दौलत इकट्ठी की हो बड़े बड़े महल बनाए होण इहदे नाल नहीं जाना। बाणी का फरमाना साथ ना चले बिन भजन विखिया सगली शार। हर हर नाम कमावना नानक दे धन सार। ये धन है नाम का जिहड़ा तेरे नाल जाण वाला। संसार के उत्ते जिन्ने मर्जी कोठियां महल बनाए होण बहुत सारी माया होए बड़ियां कारां होण मनुख दे नाल नहीं जांदियां। ना कोई रिश्तेदार जाता मनुख दे नाल दे जांदा। एक सिमरन बंदगी गुरु की साध संगत साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन किए ये मनुख का अपना जीवन। मिंद्रा साहब के मुतलक हमने ही साढ़े सैकटरी साहब गल करते सीक मैं याद है ये गुरद्वारा मिंद्रा साहब बहुत अरसा प्रधान रहे इन्हों के पिता जी बंदगी वाला रहिंदा सारा परिवार बहुत वधिया। मैं बहुत नेड़े होकर इन्हों मिंद्रा साहब नाल भी मेरी अच्छी ठीक गल रही और बहुत प्यार वाले सी भी उन्होंने घर भी जाते रहे। असी इतने उन्हों की प्रधानगी तो बाद प्रधान गुरचरण सिंह बनिया तारा सिंह बनिया स्वरण सिंह बनिया बहुत सारे उन्होंने तो बाद प्रधानगी गुरद्वारा जिदा इदा समा मिलता रहा। मगर जिहड़ा मनुख नींह रख जांदा ना वो बहुत वड्डी सेवा होंदी है स्थान की। और गुरद्वारे की नींह पत्थर रखने वाले गुरद्वारे के निशान चलाने वाले मिंद्रा साहब का परिवार है सारा गुरु घर नाल जुड़िया। साडी अरदास सच्चा पातशाह इन्हों अपने चरणा से निवास बख्शी पिछे परिवार को भाणा मन का बल बख्शी भुला चुका की खेमा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। बहुत सारी माया जड़ी है वो बिल्डिंग फंड ली और भी कई सेवा रागी सिंघा लई ते परिवार वालों कीतियां गई हैं। गुरु महाराज बख्शिश बनाई रखे और इस परिवार को इस तरह गुरु घर के नाल जोड़े रखे। सब तो वड्डा जिहड़ा आसरा है वो गुरु का है। जिहड़े परिवार गुरु घर के नाल जुड़े रहिंदे हन ये समा जिहड़ा है वह फिर सुख दे नाल बतीत हुंदा है। तो इन्हां नूं बेनती है बच्चों नूं नेता प्रति गुरु घर के हाजरी पढ़ते रहन। अगे सुरिंदर सिंह जी के पोतरे भी जिहड़े हन वो पूरी अपनी सिखी रहनी बहनी विच हन। तो माता बिंद्रा कौर जी जड़े सन उन्हां दी भी बहुत हाजरी गुरु पुराने समय च गुरु घर दे विच रही है। हुण देख दा प्रसाद लैके थलो परिवार वालों गुरु के लंगर तैयार हैं। जिहड़े भी दूर दुराडियों संगत रिश्तेदार माई भाई जिहड़े भी लोग आए हैं मित सज्जन मित्र उन्हां दा परिवार वालों बहुत बहुत धन्यवाद है। अकाल चैनल तो यह सारा प्रोग्राम लाइव किया जा रहा सीगा और इत साडे गुरप्रीत सिंह भुई बैठे हैं उन्हों का भी धन्यवाद है अकाल चैनल वालियां दा जिन्होंने यह सारा प्रोग्राम क्योंकि करोना की महामारी दे विच हर बंदा जड़ा है हाजिरी नहीं भर सकता ते घरां च बैठे हुए वो अंतम अरदास का हिस्सा बन रहे हैं। इस करके अकाल चलन वालियां दा भी धन्यवाद है। थले देख दा प्रसाद लैके परिवार के कुछ लोग इत्थे रुकणगे। मनविंदर सिंह जी नूं बेनती है कि हाथ सुचे करके गुरु साहब के सम्मुख मत्था टेक के ते बैठ जान। सरदार सरबजीत सिंह जड़े भरतपुर तो आए हैं इन्हां दे सोहरा साहब हैं पगड़ी की रसम जड़ी है वह की जाएगी। सरदार मनविंदर सिंह जी नूं बेनती है गुरु साहब गोलक दे अगे बैठ जान गुरु साहब नूं मत्था टेक के और इत्थे बैठ जान अगे ते परिवार वालों पगड़ी की रसम की जाएगी। बाकी संगतां लई थले लंगर की व्यवस्था की गई है। आप जी ने लंगर जरूर छक के जाना है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।